हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी BTE पैटर्न की, कि कैसा फार्माकोग्नोसी का पेपर आता है, और पार्ट ए का हम सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं जो करने होते हैं, और सभी क्या हैं, इक्वल मार्क्स के हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सबसे पहले हम बता दें ये जो पेपर है वो कितने नंबर का है। 80 नंबर का है ये पेपर, और 3 घंटे का करना होता है। सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर हम बात करें आंसर, यानी अगर पार्ट ए की बात करें, तो 6 क्वेश्चन हैं इसमें, और ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, सारे इक्वल मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन शॉर्ट वेरियस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द फूड ड्रग। नेक्स्ट है नेम ऑफ द वेरियस मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फूड ड्रग, मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर अल्कोलाइड, राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्कोलाइड। अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन है राइट ए बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एनी टू। नेक्स्ट है जिसमें राउल्फिया डिजिटलिस और क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ द मेडिसिनल प्लांट इन द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में मेडिसिनल प्लांट का क्या रोल है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट ए में, और आपको 6 करने हैं। अगर हम बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमारे कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं, और इसमें 3 नंबर का क्या है। अगर हम पार्ट बी की बात करें, तो इसमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडल्ट्रेशन, डिस्क्राइब द ब्रीफ द एडल्ट्रेशन ऑफ द क्रूड ड्रग विद द एग्जाम्पल। क्या है एडल्ट्रेशन के बारे में लिखना है, और उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि क्रूड ड्रग में एडल्ट्रेशन की क्या पॉसिबिलिटी है, और विद एग्जाम्पल्स। व्हाट डू यू नो अबाउट द हर्बल कॉस्मेटिक, हर्बल कॉस्मेटिक के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है राइट बायोलॉजिकल सोर्स एंड थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग, जिसमें गोखरू, तुलसी और ओपियम, इनमें से 2 का क्या बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन द एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, कार्डियोटॉनिक्स, लेक्सेटिव, डायरेटिक्स, स्टेंजेंट और कार्मिनेटिव। नेक्स्ट है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ऑक्सीटोकिक ड्रग का जो क्या है आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है। राइट अबाउट शॉर्ट नोट ऑफ द 2 ऑफ द फॉलोइंग, सीना, विनिका और टर्मेरिक के शॉर्ट नोट लिखने हैं, इनमें से 2 ड्रग का। तो इस तरह से ये 8 हो गई। फिर 9th क्वेश्चन है राइट द थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेज ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग, सैंडलवुड, एलोवेरा एंड ऑलिव ऑयल। एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल्स और डाइट्री या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। 11th क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटोग्राफी एंड टैनिंस। तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से पार्ट सी है, जो इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इस तरह से पूरे पैटर्न की बात हो गई। पार्ट ए में भी डिस्क्रिप्टिव होता है, पार्ट बी में भी डिस्क्रिप्टिव होता है, पार्ट सी में क्या होता है कि आपके मल्टीपल क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो इस तरह से अगर हम पार्ट ए की बात करें, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी।
तो इसमें हम फार्माकोग्नोसी के बारे में बताएंगे, उसके डिफिनेशन के बारे में, और इसका क्या स्कोप है, क्या पॉसिबिलिटी है फार्माकोग्नोसी की, तो बात करेंगे। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ मेडिसिन और क्रूड ड्रग प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। इट इंक्लूड एनालिसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल्स, केमिकल एंड बायोकेमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है, अगर स्कोप की बात करें तो फार्माकोग्नोसिस स्कोप नेचुरल नेचुरल रेमेडीज हैव बीन यूटिलाइज टू इम्प्रूव ह्यूमन एंड वेटरनरी हेल्थ। फार्माकोग्नोसी को सबसे पहले तो या तो ह्यूमन एज ए रेमेडी लेता है, या फिर जो भी एनिमल्स हैं, जानवर्स हैं, उनके लिए यूज़ की जाती है। द सक्सेस ऑफ द करेंट मेडिसिन रिसर्च इज हेवीली रिलायंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज कॉमन इन द फॉर्म ऑफ स्क्रेड बुक, जैसे मेटिया मेडिका है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि किस प्लांट का किस बीमारी में यूज़ किया जाता है। 19th सेंचुरी में कुछ और था इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी द बॉटनिको केमिकल अप्रोच द फार्माकोग्नोसी वाज एस्टेब्लिश बाय द कस्टमरी मेडिकल टेक्निक्स यूज इन आइडेंटिफाइन एंड वेरीफाई नेचुरल मेडिसिन। नेक्स्ट है, क्या है, हाउ वेयर ड्यूरिंग द प्रीवियस 200 ईयर देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड मैथड ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड हैज़ नाउ बिकम एन इंटीग्रल एरिया ऑफ मॉडर्न फार्मास्यूटिकल रिसर्च एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी हाई टेक स्टडी ऑफ द। क्या है कि अगर स्कोप के बारे में हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम एक तो एनिमल या ह्यूमन में एज ए रेमेडी के रूप में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे रिसर्च में भी इसका यूज़ हो रहा है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल फार्माकोलॉजी में, कॉस्मेटिक बनाने में, और बहुत सारी न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी, एनालिटिकल फार्माकोग्नोसी, स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल ऑफसेट्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इस तरह से बहुत सारा यूज़ करते हैं, जैसे मॉलिकुलर फार्माकोलॉजी, जीनोमिक फार्माकोलॉजी एंड मेटाबॉलिक फार्माकोग्नोसी हैव बीन आइडेंटिफाइड एज प्रोस्पेक्टिव फार्माकोग्नोसी रिसर्च मेथोडोलॉजीज टू मीट फ्यूचर डिमांड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री ऑफ द नेचुरल मेडिसिन एंड मेडिसिनल प्लांट्स। नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी कोलेबरेटिव रिसर्च प्रोग्राम आर क्रिटिकल फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एलिवेज फार्माकोग्नोसी रिसर्च एंड टीचिंग। मिडविन पब्लिशर्स हैज लॉन्च्ड ए न्यू प्रोडक्शन इंटरनेशनल जर्नल फार्माकोग्नोसी एंड चाइनीज मेडिसिन। तो ये सारा यूज हो गया। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द वेरियस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या क्या है, हमें वेरियस सिस्टम क्लासिफिकेशन के लिए करना है। तो कोई भी क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, इजी टू यूज, फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो क्रूड ड्रग है इसको 7 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जैसे कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सीरोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, नेम ऑफ द बेस मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फूड ड्रग, मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक। क्या है कि वेरियस मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ड्रग, क्रूड ड्रग को हम कैसे इवोल्यूएट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में दिया गया है। इवोल्यूशन ऑफ ए ड्रग इंश्योर द आइडेंटिफाई ऑफ द ड्रग एंड डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द। क्या है कि सबसे पहले ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि वही ड्रग है, उसकी क्वालिटी क्या है, प्योरिटी क्या है। द मेन रीजन बिहाइंड द नीड ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द ड्रग आर बायोकेमिकल वेरिएशन ऑफ द ड्रग, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज ऑफ द ड्रग, एडल्ट्रेशन। सबसे अगर इवोल्यूशन की क्यों जरूरत होती है कि इसमें कोई एडल्ट्रेंट तो नहीं मिला हुआ है, ड्रग प्योर है, उसकी क्वालिटी ठीक है, कोई सब स्टैंडर्ड ड्रग तो नहीं मिली हुई है, इसलिए इवोल्यूशन की आवश्यकता होती है। और इसको क्या है, इस तरह से क्लासीफाई किया गया है, या कि जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन हो गया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनोलेप्टिक, यानी कि हम अपने सेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया,
स्मेल हो गया है ना, आपने जो सेंसरी ऑर्गन है उनको यूज़ करते हैं, जैसे छू के हो गया, सूंघ के हो गया, टेस्ट करके हो गया, तो ये ऑर्गन इलेक्ट्रिक इवोल्यूशन कहलाता है। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप के थ्रू, केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल टेस्ट के थ्रू, फिजिकल इवोल्यूशन उसको देख के, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल की बायोलॉजिकल उसके करेक्टरिस्टिक के आधार पे उसको इवोल्यूएट किया जाता है। तो हमने ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन के बारे में बात की है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन मीन्स द स्टडी ऑफ द ड्रग यूजिंग ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑर्गन को यूज़ करके ड्रग की स्टडी करना ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन कहलाता है। इट रिफर टू द मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज, शेप एंड स्पेशल फीचर्स सच एज टच, टेक्सचर। ऑब्वियसली द इनिशियल साइट्स ऑफ द प्लांट ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज सो स्पेसिफिक दैट द टेंड टू आइडेंटिफाई स्टेप। इट इज़ नॉट एनफ, परहैप्स द प्लांट और एक्सट्रैक्ट हैज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर और टेस्ट। द स्टडी ऑफ फार्म ऑफ क्रूड ड्रग इज मार्फोलॉजी, while the description of the form of morphography, example the fractured surface is the syncona, qualia, the cassara, bark or coesia wood are important characteristics. Aromatic odor of the umbelliferous fruits and sweet taste of licorice, the ginger shape of the rolfia, pungent taste of the capsicum and ginger, brown color of cinnamon odor and test specific drug like asafoetida, black pepper, nutmeg, caraway, cumin, it is imparted demographic organoleptic। यानी कि जैसे काली मिर्च को हम करते हैं तो उसकी स्मेल और टेस्ट कैसे पता चलता है कि ये काली मिर्च है। इसी तरह से क्या हो गया, इलायची हो गई, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, टर्मेरिक, तो इनको मसालों के रूप में इनको टेस्ट से और इनको देख के हम पता करते हैं, तो ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन कहलाता है। व्हाट आर एल्कलॉइड, राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड। एल्कलॉइड आर एनी क्लास ऑफ द ड्रग ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस। एल्कलॉइड्स क्या हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं। एल्कलॉइड हैव डाइवर्स एंड इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। वेल नोन एल्कलॉइड्स इंक्लूड मॉर्फिन, एस्ट्रिक्निन, क्विनिन, इफेड्रिन एंड निकोटिन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमारा क्वेश्चन अगर है तो एल्कलॉइड्स आर ऑर्गेनोलेप्टिक। अगर हम एल्कलॉइड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एल्कलॉइड आर जनरेटेड बाय द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बाय द हायर प्लांट। एल्कलॉइड्स क्या है, हायर प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं या कह लीजिए कि वहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं। अबाउट 10-25% ऑफ दोज कंटेन एल्कलॉइड्स। देयरफॉर इन द पास्ट ऑफ द टर्म एल्कलॉइड वाज एसोसिएटेड विद द प्लांट। द एल्कलॉइड कंटेंट इन द प्लांट इज यूजली विद इन ए फ्यू परसेंट एंड इज होमोजेनियस ओवर द प्लांट टिश्यू। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज ऑब्जर्व इन द लीफ, एग्जाम्पल ब्लैक हैनबेन फ्रूट्स और सीड्स, सिनकोना। फर्दर मोर डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम प्लांट में बी कंटेन डिफरेंट एल्कलॉइड्स। क्या कहा गया इसमें, डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट में कई एल्कलॉइड्स हो सकते हैं। बिसाइड्स प्लांट एल्कलॉइड आर फाउंड सर्टेन टाइप ऑफ फंगस सच एज, कुछ एल्कलॉइड्स में क्या होता है, कुछ एल्कलॉइड्स फंगस में भी पाए जाते हैं, है ना, जैसे स्लो साइबिन है ना, कुछ फ्रूट्स में पाए जाएंगे, कुछ है ना, सम मेराइन ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे एल्कलॉइड्स, जैसे कि एमाइंस हैं। कुछ इनका क्या रोल है, जैसे एड्रेनालिन है, सीरोटोनिन है, विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन हायर एनिमल आर सिमिलर एल्कलॉइड इन द स्ट्रक्चर एंड बायोसिंथेसिस ऑफ सम एल्कलॉइड। तो इस तरह से हम जो है एल्कलॉइड्स को प्लांट ओरिजिन भी होता है, यानी कि प्लांट से भी, एनिमल से भी ले सकते हैं, प्लांट से भी ले सकते हैं और मेराइन से भी ले सकते हैं, फंगस से हम फ्रूट है ना, इन सब चीज़ों से हम एल्कलॉइड्स को प्राप्त कर सकते हैं।
और टेस्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड टेस्ट के लिए जैसे कि ड्रैगन ड्राफ्ट है, रीजन टेस्ट है, उसे यूज़ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मेयर टेस्ट है, हैगर टेस्ट है, तो ये टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं एल्कोलाइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए। गाइड द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूट एंड थेरेप्यूटिक यूज ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या है बायोलॉजिकल सोर्स ड्रग का लिखना है, तो अगर राउल्फिया है ड्रग हमारी, तो ये इसका जो प्लांट है एवरग्रीन है, सब्स यानी कि झाड़ी नुमा होता है, नोन एज ए डेविल पेपर्स इन द फैमिली ऑफ एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली का है। जीनस इसका है लियोनार्ड राउल्फिया। जीनस कैन मेनली इन फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अफ्रीका, एशिया, लैटिन अफ्रीका एंड वेरियस ऑर्गेनिक। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूट के बारे में बात करें, इसको हम राउल्फिया सरपेंटाइना कहते हैं, है ना, एपोसाइनेसी फैमिली का प्लांट है। अब बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की, तो राउल्फिया में कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। राउल्फिया एल्कलॉइड्स दैट इज कंसिस्ट ऑफ 40 टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स, 40 तरह के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। अब आल्सो इट कंटेन फाइटोस्टेरॉल, फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, सुगर्स एंड केमिकल रेस्पाइन एंड रेसिनामाइन आर द एल्कलॉइड्स विच द मेन थेरेप्यूटिकल इफेक्ट ऑफ द राउल्फिया। और इंडोल एल्कलॉइड पाया जाता है, इरिडोल ग्लाइकोसाइड पाया जाता है इसमें, और बहुत सारे डेरिवेटिव, सुक्रोज के डेरिवेटिव भी पाए जाते हैं। आल्सो कंटेन अजमेलिन एंड अजमेलिसिन। यूजेज, यूज़ कहाँ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है, न्यूरो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है ना, और कहाँ यूज़ किया जाता है, इंटरनल सर्कुलेटरी डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, और ट्रंक हाइपरटेंसिव डिजीज़ में, ट्रंकलाइजर्स में, एंजाइटी कंडीशन में, सिडेटिव में यूज़ किया जाता है। इस तरह से राउल्फिया का बहुत सारी चीज़ों में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीज करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को।